हलचल टीवी न्यूज। फरीदकोट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जगविंदर सिंह की अदालत ने पंजाबी गायक और एक्टर हरभजन मान के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी करते हुए 30 मार्च 2016 तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के हुक्म जारी किए हैं। मामला हरभजन मान द्वारा आनंद फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड को 4.5 लाख का चेक दिया था और जो बाउंस हो गया क्योंकि उसके खाते में पर्याप्त रकम नहीं थी। आनंद फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक आनंद गोयल के वकील अतुल गुप्ता ने कहा कि हरभजन मान विदेश जाने के लिए इस कंपनी से एयर टिकट लेता था और 4.5 लाख रुपए का चेक कंपनी को दिया गया था, परंतु खाते में पर्याप्त रकम न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसीलिए कंपनी के डायरेक्टर ने अदालत का सहारा लिया, जहां अदालत ने आदेश जारी करते हुए 30 मार्च 2016 तक हरभजन मान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के हुक्म दिए हैं। कोर्ट दे विच आनंद फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे जड़े डायरेक्टर ने उन्हां वल्लों आनंद गोयल वल्लों हरभजन मान पुत्र सरदार हरनेक सिंह मान वासी मोहाली जो कि पंजाबी सिंगर ने उन्हां उत्ते सैक्शन 138 ऑफ द नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थले केस किया गया। केस दे दे मुताबिक हरभजन मान बाहर जाने लई इन्हां तों उधार दे विच अते कई वारी नगद दे विच टिकट्स की बुकिंग करवाउंदे सन अते उन्हां दे वल जून 2014 तक आनंद गोयल दे 4,50,700 रुपए ड्यू हो गए सन। उस लायबिलिटी नूं एडमिट करदिआं होइआं हुण हरभजन मान ने अपने खाते HDFC बैंक लिमिटेड मोहाली ब्रांच दे विचों एक चैक नंबरी क्वाड 034 4,50,700 रुपए का जारी किया। जदों आनंद गोयल ने वह चैक अपने खाते एक्सिस बैंक फरीदकोट विखे लगाया तो वह डिसऑनर हो गया। हरभजन मान के बैंकर ने आनंद गोयल के बैंकर 22/7/2014 नूं मीमो लगा के ये रिमार्कस नाल वापस भेज दिता चैक कि हरभजन मान के खाते दे विच फंड्स इनसफिशेंट ने। उस तो बाद उन्हां नूं लीगल नोटिस देने तो। फरीदकोट से हलचल टीवी के लिए गुरजीत रुमाना की रिपोर्ट। अब सुंदर बनने का सपना करे साकार, क्योंकि अब सुंदरता पाना हो गया है बहुत ही आसान। सुंदरता का राज जान गए हैं सुंदरा सीक्रेट और लेकर आए हैं आपके लिए सुंदरता के ये उपहार। सुंदरा सीक्रेट फेशियल किट, सुंदरा सीक्रेट टी टैन, सुंदरा सीक्रेट हेयर स्पा और बहुत सारे प्रोडक्ट कर रखेंगे आपकी सुंदरता का हर तरफ से ख्याल। बिकॉज वी कैन, वी केयर ब्यूटी फॉर एवर। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।